हेलो स्टूडेंट, अगर आप अंग्रेजी बोलने में आपको हिचकिचाहट है, आप अंग्रेजी इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी पर पूरा आपको पकड़ बनाना है, तो आपके लिए गुड न्यूज है। डाउटनेट पर आया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। टॉप इंग्लिश के टीचर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब हर बच्चा बोलेगा फराटेदार इंग्लिश, और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा डाउटनेट पर। तो आज ही आप डाउटनेट से स्पोकन इंग्लिश कोर्स खरीद लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरे इंडिया में बेस्ट प्राइस पर आपको कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने पार्ट वन बीए बीएससी बीकॉम 2023 का एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने का लिंक को एक्टिव कर दिया है। इस वीडियो में हम एक बच्चे का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के आपको दिखाएंगे। ऐसे ही आपको फॉर्म को भर लेना है। कितना पैसा लगेगा पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए वीकेएसयू आरा ऑफिशियल। लगभग 36,000 छात्र मिलेंगे। जो आपका टेलीग्राम चैनल है वीकेएसयू आरा ऑफिशियल, वहाँ 36,000 छात्र मिलेंगे, वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ एक एक सूचना आपको मिलेगा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अलग अलग सेशन के भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का 2023 का, 19-22 का, 18-21 का, 21-24 का, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। वीकेएसयू से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए गूगल पर सर्च करें stresult.com। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए, जो लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, अपने कॉलेज में जाके ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है। और ये जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ये एक बार ही मिलता है, यही आपका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड तीनों एग्जामिनेशन फॉर्म में काम आएगा। तो चलिए, गूगल पर आपको सर्च करना है stresult.com, stresult.com, stresult.com। और यहाँ से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को खोल लेना है। देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट stresult.com खुल गया है। यहाँ पर देखिए, वेबसाइट में आपको नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी। कैटेगरी के नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपडेट और वीकेएसयू वाला। यहाँ से सारा अपडेट यूनिवर्सिटी का मिलता है, लेकिन जो लेटेस्ट पोस्ट रहता है उसको हम लोग फर्स्ट पेज पर ही डाल देते हैं, जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वेबसाइट का ये बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सबसे कॉर्नर में। यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए वेबसाइट को, जिससे आपका वीकेएसयू का जो भी अपडेट आएगा, आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा और stresult.com आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो देखिए, सबसे ऊपर में ही आपको लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वीकेएसयू पार्ट वन एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 ऑनलाइन। इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑफिशियल सूचना है कि अभी फिलहाल 22/10/2021 से 30/10/2021 तक ये फॉर्म भराएगा। तो जो लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। जो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिए हैं, कॉलेज के विभाग में जाके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, दो दो लिंक दिया गया है, कोई भी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन का जो भी वेबसाइट है वीकेएसयू का, वहाँ पर चले जाइएगा। तो यहाँ पर चलिए क्लिक हियर पर, आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम टाइप में सेलेक्ट कर लेना है कि आपका क्या एग्ज़ाम टाइप है। तो यूजी रेगुलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी यूजी रेगुलर को फॉर्म भरने का लिंक ओपन हुआ है। बहुत जल्द जो भी प्रमोटेड छात्र हैं उनको भी लिंक दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, जैसे ही पल पल का अपडेट आएगा आपको डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा और stresult.com वेबसाइट। अब यहाँ से चलिए, आपको कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी बीए जनरल है, बीकॉम जनरल है, बीएससी जनरल है, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, जो भी आपका कोर्स है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम जो स्टूडेंट का फॉर्म भरेंगे, ये हमारे कोचिंग के ही स्टूडेंट हैं और इनका बीए ऑनर्स है, तो बीए ऑनर्स ईयर वन पर क्लिक कर देना है। अब चलिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सर्च इन पर क्लिक करना है। सर्च इन पर आपको दो ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और यूआरएन नंबर। आप कॉलेज में जाके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिए हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और आप एडमिशन कराए होंगे तो आपको 20G करके कुछ मिला होगा, वही यूआरएन नंबर रहता है, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। अब चलिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल लेते हैं। अब चलिए, यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फादर्स नहीं तो मदर्स कोई का एक का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को डाल देना है। और कैप्चा को डाल के चलिए सर्च पर क्लिक करते हैं।
तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक कीजिएगा, देखिए आपके सामने सारा इंटरफेस ऐसा ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आपका पूरा विवरण यहाँ पर शो होने लगेगा। अब चलिए, ये अगर आपका सही है, जो भी आपका ये मिलान यहाँ पर कर लेना है, जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एग्जाम टाइप, कोर्स, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको टिक पर क्लिक कर देना है, इस बॉक्स पर क्लिक करके। अब चलिए यहाँ पर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा पूरा। यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा जो 20 KB से कम में रहना चाहिए। और उसको कैसे आप मोबाइल से ही 20 KB से कम में कीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। एक ऐप आता है आपको क्यू रिड्यूसर लाइट, उसके मदद से आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे ऊपर में जो डिटेल्स है, यहाँ पर आपका सबसे ऊपर में ये सब आपको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए भिक्के एसयू रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ तो इनके पास है, तो यस पर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको, अब देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स आप मिला दीजिएगा, आपका यहाँ पर जन्म तिथि है, जेंडर है, कैटेगरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सब कैटेगरी पर क्लिक करना है। अगर आपका कोई यहाँ पर सब कैटेगरी ऐसा है तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नीचे में जो आपका दिखाई दे रहा है नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में आप क्या सेलेक्ट कीजिएगा, इंडियन है तो इंडियन आपको सेलेक्ट करना है। अब चलिए यहाँ पर आपको डोमेसाइल स्टेट में, जो भी आपका डोमेसाइल स्टेट है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इनका बिहार है तो यहाँ पर बिहार हम लोग सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ से रिलीजियन को सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजियन में जो भी आपका रिलीजियन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हिंदू है तो हिंदू पर हम लोग क्लिक कर दिए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग करेंट एड्रेस, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है पूरा डिटेल्स में, चलिए यहाँ पर हम लोग एड्रेस को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इनका पूरा एड्रेस को डिटेल्स में डाल दिए, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पूरा आप डिटेल्स में यहाँ डालिएगा। जिनका टाउन में है तो यहाँ पर मोहल्ला वगैरह डालिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी को चलिए इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया। चलिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मीडियम, मतलब किस मीडियम में आप एग्ज़ाम दीजिएगा। इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये एग्ज़ाम देंगे इंग्लिश में, तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए। अब चलिए यहाँ पर आधार नंबर डालना है, ये मैंडेटरी नहीं है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको जो आपका ऑनर्स है, यहाँ पर जो भी आपका ऑनर्स है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सब्सिडी 1, सब्सिडी 2 और यहाँ पर आपको कंपोजिशन सब्जेक्ट को चलिए सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम मीडियम जो भी है आप अपने अनुसार इसको फिल कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश में देना है इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और जिनको हिंदी में देना है वो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पर इनका जो भी ऑनर्स है, इनका ऑनर्स है यहाँ पर डाल लेते हैं। ऑनर्स इनका पॉलिटिकल साइंस है तो चलिए पॉलिटिकल साइंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालिएगा तो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पर आपका 200 का आपका ऑनर्स होगा, 200 का सब्सिडी होगा और 100 नंबर का कंपोजिशन होता है पार्ट 1 में। चलिए सब्सिडी 1 सब्जेक्ट है इनका ज्योग्राफी, तो यहाँ पर चलिए सेलेक्ट हो गया। जे सब्सिडी 2 इनका हिस्ट्री है तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो गया। आप अपने आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो शुरू में आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए हैं तो अपने आप यहाँ पर ऑप्शन आते रहेगा। देखिए कंपोजिशन में यहाँ पर हिंदी 100 मार्क्स इनका आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर इनका हिंदी कंपोजिशन 100 मार्क्स का है तो यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट कर लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिफिकेशन वगैरह आप डिटेल्स में इसको फिल कर लीजिएगा तो अब आपके सामने ऑप्शन आएगा लास्ट क्वालिफिकेशन। इसमें आपको देखिए यहाँ पर हाई स्कूल मतलब 10th कहाँ से किए हैं, इंटरमीडिएट 12th कहाँ से किए हैं, यहाँ पर आपको बोर्ड बताना है किस बोर्ड से आप किए हैं, यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है 10th का, यहाँ पर 12th का रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर 10th का, यहाँ पर 12th का पासिंग ईयर डालना है, कितना आपने मार्क्स 10th में ऑब्टेन किया यहाँ पर डालना है, कितना आपका 12th में मार्क्स आया है यहाँ पर डालना है, और कितना का एग्ज़ाम 10th में हुआ था यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के जगह पर डालना है, और कितना का एग्ज़ाम 12th में हुआ था मैक्सिमम मार्क्स के जगह पर डालना है। ध्यान रखना है जितना का एग्ज़ाम आपका 10th और 12th में हुआ था यहाँ पर डालना है और जितना आपका मार्क्स आया है उतना आपको ऑब्टेन मार्क्स में डालना है। तो चलिए इतना फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा डिटेल्स डाल दिया, ये 10th और 12th दोनों BSEB पटना से किए हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया CBSE वाले।
यहाँ पर CBSE लिखेंगे, यहाँ पर 10th का रोल नंबर, यहाँ पर 12th का रोल नंबर, किस साल पास किए हैं यहाँ पर डालना है, कितना आपका मार्क्स आया है यहाँ पर डालना है, और कितना का आपका एग्ज़ाम हुआ था इसको यहाँ पर डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो क्या करना है कि फ़ोटो को अच्छा से मोबाइल में खींच लेना है, क्लिक कर लेना है, और सिग्नेचर को भी एक वाइट पेपर पर आपको कर लेना है और उसको अच्छा से क्रॉप कर लीजिए। और चलिए आपको एक क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, और उसी के मदद से आप 20 KB से कम में फोटो और सिग्नेचर को कर लीजिए। उसके बाद चलिए यहाँ पर अपलोड करके ये वाला कैप्चा को यहाँ पर डाल के चलिए सेव फॉर्म पर क्लिक करते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और आपको सर्च करना है क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप, क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे और यहाँ से आपको इंस्टॉल करके चलिए इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप आपका ये ओपन हो गया है। अब चलिए गैलरी में जो फ़ोटो लिए हैं, गैलरी में जो वाइट पेपर पर सिग्नेचर करके रखे हुए हैं, चलिए यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करके और इसको चलिए गैलरी से यहाँ से फ़ोटो को लेकर 20 KB से कम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को 20 KB से कम में कन्वर्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने गैलरी से फ़ोटो को ले लिया है। अब चलिए इसको 20 KB से कम में कन्वर्ट करना है, चलिए इसको 18 KB में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 18 लिखना है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप 18 लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए जैसे ही आप यहाँ पर कंप्रेस पर क्लिक कीजिएगा ये 18 KB में आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कंप्रेस पर आप क्लिक करते हैं, फ़ोटो 18 KB से कम में कन्वर्ट हो गया। चलिए यहाँ से चूज फोटो पर क्लिक करके यहाँ से गैलरी से अब चलिए हम लोग सिग्नेचर को भी ले लेते हैं और उसको भी 20 KB से कम में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपलोड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने सिग्नेचर को ले लिया है। अब चलिए इसको भी 18 KB में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर आपको 18 टाइप कर देना है। अब चलिए यहाँ पर जैसे ही आप कंप्रेस पर क्लिक कीजिएगा ये आपका 18 KB में गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए जो फ़ोटो को हम लोगों ने अभी क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप के माध्यम से एडिट किया है, क्रॉप किया है, 20 KB से कम में किया है फ़ोटो और सिग्नेचर को, चलिए यहाँ पर अपलोड करते हैं फ़ोटो को और यहाँ पर सिग्नेचर को। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पर डाल के चलिए सेव फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको गैलरी से फ़ोटो को, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने फ़ोटो को यहाँ पर ले लिया है। अब चलिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप गैलरी से जो अभी अभी फ़ोटो को एडिट किए हैं 20 KB से कम में, इसको तो यहाँ अपलोड कर दिए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सिग्नेचर जो 20 KB से कम में एडिट किए हैं क्यू रिड्यूसर ऐप के माध्यम से, चलिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके गैलरी से लेकर उसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया। अब चलिए ये कैप्चा को यहाँ पर डाल के सेव फॉर्म पर क्लिक करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं ये कैप्चा को भी यहाँ पर डाल दिया है। अब चलिए ऊपर जो जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं सबको एक बार मिलान कर लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं ना है, उसके बाद मिलान कर लीजिए, उसके बाद ही आप नीचे यहाँ पर सेव फॉर्म जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यहां पर सेव फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा देखिए आपका यहां पर पूरा विवरण दिखाई देने लगा यहां पर आपका। उसके बाद देखिए यहां पर आइएगा तो आपको यहां पर 395 रुपया यहां पर फीस दिखाई दे रहा है, यहां पर देख सकते हैं आप। एग्जाम फी आपका 200 है, मार्कशीट फी आपका 75 है, लेवी फी आपका 60 है, रेमिटेंस चार्ज आपका 60 है, उसके बाद टोटल फी आपका 395 रुपया है। देखिए इसके बाद आपको पेमेंट वगैरह जो भी आपका, देखिए कैटेगरी वाइज पेमेंट लग रहा है, आपका जनरल है तो पेमेंट अलग लगेगा, OBC का पेमेंट अलग लगेगा, ST SC का पेमेंट अलग लगता है। तो यहाँ पर देखिए 395 रुपया इनका लग रहा है। तो अब चलिए यहाँ पर पे नाउ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से पेमेंट को कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे आपको पेमेंट करना है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ डेबिट कार्ड से करेंगे तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का नंबर, यहाँ पर एक्सपायरी मंथ ईयर, क्या नेम है आपका डेबिट कार्ड पर, बैंक नेम, CVV नंबर, ये सब डाल के आप पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद इसका आप प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा। अब चलिए पेमेंट को कर लेते हैं। जो भी छात्र पेमेंट वगैरह कर लेंगे तो इसका ऑनलाइन आप PDF निकाल लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा और इसको रख लीजिएगा। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।